हेलो फ्रेंड्स, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेल, तो आपको मेरे टाइटल से समझ में आ ही गया होगा कि आज मैं आपसे किस बारे में बात करने वाली हूँ। बट उससे पहले मैं आपसे आज कुछ अपने मन की बात करना चाहती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, हमारे भारत का सिचुएशन क्या है, उसके लिए हमें बहुत ही अलर्ट और सेफ रहने की ज़रूरत है। मेरा तो ऐसा जॉब है जिसकी वजह से मुझे बाहर जाना ज़रूरी है, बट अगर आप घर से ही काम कर सकते हैं तो प्लीज़ 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 घर से बाहर ना निकले जब तक बहुत ज़रूरी काम ना हो। अगर आपको घर का राशन लेना हो या कोई ज़रूरी सामान लेना हो तो उसे ऑनलाइन ही मंगाने की कोशिश करें। अगर पॉसिबल नहीं है तभी बाहर जाएं और वहां जाकर सभी से डिस्टेंस बना कर रखें। बाहर निकलने से पहले मास्क लगाना ना भूलें। मास्क को अच्छे से लगाएं जिससे कि आपका नोज़ और माउथ दोनों ही अच्छे से कवर हो जाए बिल्कुल। अगर पॉसिबल हो तो फेस शील्ड भी लगा लें, और वहाँ अगर आपका मास्क लूज़ हो गया है और आपको उसे एडजस्ट करना है तो उससे पहले अपना हाथ सैनिटाइज ज़रूर करें। बिना हाथ सैनिटाइज किए हुए आईज़, नोज़, माउथ कहीं भी टच ना करें। बाहर से आने के बाद अपने सारे सामान को सैनिटाइज कर दें और आप भी अच्छे से बात ले लें, स्टीम भी ले लें और गार्गल भी कर लें। मैं तो ये डेली करती हूँ जब भी ऑफिस से आती हूँ। उसके बाद एक ग्लास गर्म पानी पी लें तो और भी बेहतर होगा। मैं तो जब भी ऑफिस से आती हूँ सबसे पहले मैं बाथरूम में जाकर अच्छे से बात लेती हूँ, उसके बाद स्टीम लेती हूँ, गार्गल करती हूँ, उसके थोड़ी देर बाद गर्म पानी पीती हूँ, तभी कुछ और करती हूँ या अपने बच्चे को टच करती हूँ। जितना भी पॉसिबल हो हमें प्रिकॉशंस लेते रहना चाहिए। कम से कम बाद में ये तो दुख नहीं होगा कि ओह मैंने प्रिकॉशंस ही नहीं लिया, काश मैंने प्रिकॉशंस लिया होता। इसके अलावा एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आपके पास किसी को हेल्प की ज़रूरत है और पॉसिबल हो कि आप उसकी हेल्प कर सकें डिस्टेंस मेंटेन करते हुए तो ज़रूर करें। लाइक जैसे किसी को किसी एसेंशियल सामान की ज़रूरत है और वो नहीं ला सकते हैं, वो ओल्ड एज हैं या फिर उनके घर में बच्चे हैं, वो नहीं जा सकते हैं, और एसेंशियल सामान की ज़रूरत तो हर किसी को होती है। जब आप अपना लाने जा रहे हो एक बार उनसे भी पूछ लें कि क्या उनको किसी सामान की ज़रूरत है, तो आप अपने साथ साथ उनका भी सामान ला कर उनको दे सकते हैं। उनके घर के बाहर दरवाजे पर रख दे सकते हैं और आप उसके बाद वहाँ से हट जाएँ, वो फिर वहाँ से अंदर ले सकते हैं। इससे किसी का हेल्प भी हो जाएगा और साथ साथ डिस्टेंस मेंटेन भी रहेगा। और अगर किसी को इकोनॉमिकली कुछ हेल्प की ज़रूरत है और आप हेल्प कर सकते हैं, तो इस विषम परिस्थिति में अगर आप किसी का हेल्प करें तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। एक और बात करना चाहती हूँ, क्या कभी किसी को दो बातें सुनाने के बाद आपको बाद में अफसोस होता है कि काश मैंने ऐसा नहीं बोला होता, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता? हाँ, मुझे तो होता है। चाहे किसी ने मुझे कितना भी हर्ट किया हो और रिटर्न में अगर मैं उस पर गुस्सा करती हूँ या कुछ बुरा भला बोल देती हूँ, उसके बाद मुझे बहुत दुख होता है कि काश मैं ऐसा नहीं बोलती, काश हम लोग मिलकर उस सिचुएशन को समझते, बात करते, आखिर प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट हुआ जो हमारे बीच में मतभेद हुआ। मुझे इंस्टेंट गुस्सा नहीं करना चाहिए था। जहाँ तक मेरा मानना है, हर तकरार के पीछे कुछ न कुछ गलत फहमियाँ ही होती हैं। इस कोरोना काल ने हमें बहुत सारे लेसन्स दिए हैं, उसमें से एक ये भी है कि अगर लास्टली कोई इम्पॉर्टेंट है तो वो है हम और हमारी प्रकृति। नाम, रुतबा, पैसा, शानो शौकत, ये सब बस क्षण भर की खुशी होती है। एक्चुअल खुशी हमें मिलती है, जिसे इनसाइड खुशी बोलते हैं, वो मिलती है प्यार से, अपनेपन से। तो फिर क्यों ना सारे किले सिक्वे भुलाकर एक नया अध्याय शुरू किया जाए। सामने से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाकर, की हुई गलतियों की माफ़ी मांगकर और जो हुआ उसे भूलकर एक अच्छा हैप्पी इन्वायरमेंट बनाया जाए। जब से ये कोरोना काल चल रहा है तब से आप सुन ही रहे होंगे, सबसे ज़रूरी है हमें अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखना। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, यू गाइज नो वेरी वेल, हेल्थ डज़ नॉट कम ऑलवेज फ्रॉम मेडिसिन,
most of the time. It comes from peace of mind, peace in the heart, peace of soul. It comes from laughter and love. आज मैं अपने चैनल के माध्यम से हर उस इंसान से माफ़ी मांगती हूँ जिन्हें कभी भी मेरी किसी भी बातों से हर्ट हुआ हो. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई डिडंट मीन दैट. मैंने तो शुरुआत कर दी, आप कब कर रहे हो? एक बार की हुई गलतियों की माफ़ी मांग कर तो देखो. या आपने गलती ना भी की हो तो क्या हुआ? मेरी मम्मी बोला करती थी, जिस पेड़ में फल लगा होता है, जो पेड़ फल से भरा होता है, वही पेड़ झुकता है. जिस पेड़ में फल नहीं होता वो तो तन कर खड़ा रहता है. इसका मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे. अगर कोई आपसे माफ़ी मांगे तो एक बार माफ़ करके तो देखो. वो कहते हैं ना, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो. कभी किसी ज़रूरतमंद की मदद करके तो देखिए, एक अजीब सी पॉजिटिविटी का एहसास होता है. बहुत हो गई बातें, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ आखिर क्यों मैं फिर वीडियो अपलोड नहीं कर पाई. बच्चों का तो आपको पता ही है, जो मना करो वही करते हैं. वो हुआ यूँ कि बहुत दिनों से मेरा बेटा मेरे मोबाइल पर ताक लगा रखा था और एक दिन उसे मौका मिल ही गया. वो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात हो गई. तो मेरे बेटे को मोबाइल मिल गया और उससे वो खेलने लगा. जब थोड़ी देर खेलने के बाद उसे किसी और चीज़ से खेलने का मन हुआ तो फिर होना क्या था, मोबाइल ऐसा गिरा मेरे बेटे के हाथ से कि फिर वो सर्विस सेंटर जाकर ही उठ पाया. तो पहले तो मैं मोबाइल ख़राब होने की वजह से वीडियो नहीं बना पाई और उसके बाद मैं ही ख़राब हो गई. आई मीन टू से मेरा तबीयत ख़राब हो गया. और वैसे तो आप समझ ही सकते हैं, ऑफिस, घर, एक छोटा बच्चा, ऊपर से ये कोरोना सिचुएशन जिसमें कि काम और ज़्यादा ही बढ़ गया है. ये करो वो करो, ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो, इन सब में टाइम कहाँ मिल पाता है. तो इन्हीं वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी. और अभी मेरा तबीयत भी ठीक है, मोबाइल भी ठीक है और मैं ऑफिस से जल्दी घर आ रही हूँ आजकल. तो सोची आप लोगों से बात किया जाए. हमेशा मैं हमेशा तो नहीं, बट हाँ जब भी मौका मिलेगा कुछ ना कुछ अच्छा वीडियो लेकर आया करूँगी आप लोगों से मिलने के लिए. तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जाने से पहले अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, मन चाहे तो शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें. सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन दिया है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा तो आप देख पाएंगे. तब तक के लिए बाय, टेक केयर. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, छोटी सी जिंदगी है, खिलखिलाते रहिए. बाय बाय.